सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप सबके साथ है। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, जिनका नाम चंद्रशेखर है और ये कुंडली आई है महासमंद 36 वर्ष से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1987 सुबह 6:57 महासमंद 36 वर्ष। आइए विषय पर लेके आऊँगा। पर सबसे पहले आपको बता दूँ इनकी कुंडली में ग्रह स्पष्ट कैसा है। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए पापी भाव या अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली के लग्न में जो ग्रह बैठा है वो किस भाव का अधिपति। अब इस सिर्फ लग्न स्पष्ट बता रहा हूँ, नवांश बताऊंगा कौन से राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं, दशमांश में भी बताऊंगा, फिर उसके बाद पंचांग में क्या। द्वितीय और तृतीय भाव खाली है। कन्या राशि के केतु बैठे हैं जो माता को चिंता देते। पंचम भाव खाली तुला राशि, जिसके अधिपति शुक्र एकादशवें भाव में बैठकर के पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि दो शुभ ग्रहों की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे और इस भाव के 11 ग्रह स्वग्रह की ओटी बैठे हैं प्रभु पर रावण के संबंध में। इस वजह से व्यक्ति यश प्राप्त तो करता है, संतति प्राप्त तो हो जाती है, लोगों से कोई मिलता बहुत अच्छा है, पर इन सभी चीज़ों में थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हो। छठवें भाव में शनि बैठे हैं वृश्चिक राशि के, जो व्यक्ति को आयु तो देते हैं क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। आयु तो है पर उसके संग संग व्यक्ति को गैस्ट्रिक पेशेंट भी बनाएंगे। क्लियर है। सप्तम और अष्टम और नवम भाव खाली है, भाव अगर खाली हो जाता है तो कमजोर हो जाता है, इस वजह से वहाँ पर किसी न किसी ग्रह का देखना बड़ा लाभदायक हो जाता है। तो सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि है, मिश्र की दृष्टि को देखना है। अष्टम भाव पे मंगल की उच्च दृष्टि है, यानी कि अष्टम भाव भी ठीक होगा, लेकिन अष्टम भाव के अधिपति भी देख रहे हैं और अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि। तो शनि और मंगल का संबंध जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव से बनेगा तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति बनेगी, लेकिन वो इन सभी चीज़ों पर विजेता हो जा रहा है, हारता नहीं। समस्याएँ भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन नेचुरली व्यक्ति जो है वो थोड़ा डरपोक होता है, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला होता है। जितना वो चिंता नहीं करता है उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता है। अगर ये चिंतित करने वाली कुंडली है तो सिर्फ शनि और मंगल के अष्टम भाव पे देखने के कारण। नवम भाव के बाद दशम स्थान पे मंगल, दशम स्थान से केंद्र में, और मंगल का प्रभाव इस कुंडली पे नहीं है। गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव के अधिपति एकादशवें में, दो शुभग्रह पंचम पे, 12वां भाव बलवान और एक दशम स्थान में गुरु और राहु का संपर्क व्यक्ति को कई बार हठ जिद क्रोध और गुस्सा आदि करने वाला बनाए और कई बार संतति से दूरी हो जाए, मेहनत करने के बाद परिणाम मिले, या कई बार व्यक्ति के जीवन में जो सकारात्मक पक्ष बनते हैं वो थोड़े कमजोर बनकर। वैसे इस कुंडली का व्यय बड़ा बढ़िया है, इस कुंडली का लाभ बहुत अच्छा है। अब इस कुंडली का लग्न बड़ा अच्छा है क्योंकि लाभेश लग्न में बैठे हैं इस वजह से, और लग्न के अधिपति 12वें बैठे हैं, इस कारण से थोड़ी बहुत परेशानी के साथ पर व्यक्ति का व्यय बहुत संतुलित होगा। ये लग्न कुंडली का स्पष्ट। नवमांसा खाली है, इस वजह से विवाह मिला करके करना चाहिए, और अगर विवाह बिना करके नहीं करेंगे तो परेशानी के कई योग बनने शुरू होंगे। वैसे शुक्र वर्गोत्तम हो रहे हैं और गुरु के संग शनि पंचम भाव में बैठे हैं नवांसा में, इस वजह से पत्नी नौकरी करने वाली या जातक शैली विवाह के बाद नौकरी करने वाला होता है, यह विवाह के थोड़े ही दिन पहले उसकी नौकरी या फिर एस्टेब्लिशमेंट होती है नौकरी पर। मंगल के संग रावण का जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखना ही कई बार मतभेद और पिता के साथ संबंधों में कमजोरी होती है, और कई बार अगर सामने वाली यानी कि जो पत्नी है अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर रहे तो कम्युनिकेशन ब्लैक होगा, जो कि यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई बार सास ससुर के साथ संबंधों में कमजोरी भी देखने को मिलती। ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि सामने वाले जो पार्टनर हैं उनके उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी बात है, आप लोग समझ गए। दशमांसा मिथुन का बनाने, गुरु और चंद्र का धन योग बहुत बढ़िया। शुक्र कन्या राशि है, नीच के बैठे हैं,
और यहाँ पे बुध के संग केतु व्यक्ति को अनुभवी और कार्यक्षेत्र का यश प्राप्त करने वाला बना है। शनि मीन राशि के बैठे हैं और सूर्य के संग राहु, इस वजह से व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के साथ साथ अठीपन की प्रवृत्ति भी आती है और कार्यक्षेत्र को लेकर के वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होता है। क्लियर है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। नक्षत्र में चंद्रमा अश्विनी के बैठ, अब यही बात आप लोगों को जो मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा जब अश्विनी के बैठते हैं तो व्यक्ति सुशील होता है, सुशील मूर्ति का होता है, वो मतलब ऐसे कलुषित मानसिकता का नहीं, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है, गुणी होता है, धार्मिक होता है, प्रबुद्ध होता है और अपने से बड़ों का आदर करने वाला और हमेशा ही हृदय में अपने आप को पहचानने की शक्ति विकसित करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे ये समझा दे कि वो क्या है पर उसकी कमजोरी क्या, ये कोई मिथुन लग्न की है, ये चपल चंचल चालान और मैथुन करने वाली कुंडली है। मिथुन का अर्थ मैथुन करना मतलब चीज़ों से, लोगों से थोड़ी दूरी रहेगी पर वस्तुओं से व्यक्ति का विशेष प्रेम रहेगा। किसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जातक को बहुत अच्छे तरीके से बता दें। अब इससे भी अच्छी बात ये होती है कि मिथुन लग्न के लोग जल्दबाजी, ये सिरसोदय ही राशि, तो सिरसोदय ही राशि होने के कारण ये जल्दी ही विकसित राशि है, जल्दी ही तुरंत इनका अस्तित्व पथ पर अग्रसर हो जाए। किसका लाभ कैसे उठाना है मिथुन लग्न वाले बहुत अच्छे से जानते हैं और जैसे ही इनका काम निकल जाता है ये तुरंत ही उस व्यक्ति को घुल जाते। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से उठ करके आते हैं कई बार ये उस चीज़ को भी भूल जाते हैं कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी और जब ये ग्रामीण क्षेत्र से उठ करके शहरी क्षेत्र में आते हैं तो ग्रामीण जनता को भी पोसने लगते हैं और अपने ही अपनी चीज़ों को, जैसे होता है ना कि अपनी बीती हुई बात को याद रखना, ये कई बार वो याद नहीं रखते। इनके मतलब कि जो लोग होते हैं उनसे इनकी मैत्री बहुत अच्छी होती, पर जब इनको पता चल जाता है कि अब इस व्यक्ति से मेरा काम होने वाला नहीं है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ने में भी ये वेश नहीं करते। क्लियर है। मिथुन राशि द्विस्वाभाविक राशि और ये बुध की प्रकृति वाली एक ऐसे राशि के अधिपति से प्रभावित राशि है जो चंचल और चलायमान है। द्विस्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण अग्नि तत्व के, वायु तत्व के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण इनकी प्रवृत्ति मिलनसार और एकाकी दोनों ही होती। ये जल्दी ही किसी से प्रभावित भी होते हैं और जल्दी ही अपनी मैत्री भी किसी के साथ कर लेते हैं और शत्रुता बनाने में भी ये विलंब नहीं करते, तुरंत ही शत्रुता भी फायदे। मिथुन लग्न के वाले जो लोग होते हैं उनमें एक बड़ी लक्षण बात होती है कि ये आसानी से किसी भी बात को अपना बना लेते, ये आसानी से किसी को अपना बनाते हैं, किसी की वस्तु को अपना बना लेते हैं और ज्ञानी न होने के बाद भी समाज इन्हें ज्ञानी मानेगा। ये मिथुन लग्न के लोगों में एक और भी बड़ी अद्भुत बात होती है कि ये कॉपी करने में माहिर होते हैं और समाज को अपनी एक अलग पहचान देने में बड़ी आसानी से सफल हो जाते। इनके पास ऐसी शक्ति होती है कि ये अपना प्रभाव बड़ी ही विलक्षणता से समाज को दे जाते हैं और लोग इसकी कमजोरी को भी अच्छाई मान बैठते। यह कई बार ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपा करके रखता है और समाज को एक नई चीज़ दिखा जाता है जिससे समाज का एक उच्चतम और अच्छा खासा वर्ग इसके झांसे में आ जाता है। अपनी ये बात बहुत गहराई से समझने की बात है। इनकी कुंडली में चंद्रमा अश्विनी के बैठे हैं, मैं वहाँ पर भी था, धनी गुणी यशस्वी ज्ञानी बुद्धिमान तार्किक और यात्रा करिए, ये अश्विनी नक्षत्र के लोगों में बड़ी गंभीर बात होती है। चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र के होते हैं तो इनकी कुंडली में उस नक्षत्र का अधिपति केतु जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र में केतु बैठे हैं 16 डिग्री के अवस्थागत युवावस्था में, इस कारण से इस कुंडली के लिए राहु और केतु की दशाएं भी कमजोर नहीं जाए। अगर आपकी कुंडली में भी राहु और केतु अवस्थागत बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो वो
काफी हद तक अपनी दशाओं में अच्छा परिणाम देने के लिए बाधित हो जाए। लग्न के अधिपति का 12वें में जाने का परिणाम बताता हूँ। लग्न के अधिपति का 12वें में जाना और जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति के संग, यानी कि लग्नेश और जप कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं बुध। अगर आपकी कुंडली में लग्न और चतुर्थ के अधिपति, दो केंद्रों के अधिपति हो गए बुध, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं और तृतीय भाव के अधिपति होते हैं सूर्य। इस कुंडली में बुध और शुक्र के अतिरिक्त जितने भी ग्रह होते हैं वो थोड़े थोड़े कमजोर भाव के अधिपति होते हैं। जैसे अगर बुध हैं तो चतुर्थ के और लग्न के अधिपति हैं, पर 12वें हैं, इस कारण से कई बार माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देते हैं और कई बार वैचारिक मतभेद भी बनते हैं। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति होकर के जा करके 12वें बैठे हैं और मंगल नीचा विलासी होकर के बैठे हैं 8 डिग्री के आर्द्रा नक्षत्र में। इस कारण से व्यक्ति का भ्रम और उसकी मेहनत का भ्रम में जाना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। मतलब वो कई बार जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहाँ वो नहीं करता है। चतुर्थ के साथ साथ लग्न के अधिपति होकर के 12वें बैठे, इस वजह से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पे और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता बनेगी। अगर लग्न के अधिपति शनि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए आयु के दाता के रूप में दो ग्रह बनते, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए आयु के दाता के रूप में दो ग्रह बनते हैं, एक शनि प्रथमतया और दूसरे नंबर पे बुध। इसका अर्थ है कि अगर बुध जैसा ग्रह अगर शनि से दृष्ट हो जाएगा तो व्यक्ति के पास आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा की हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति 100 साल से ज़्यादा जिएगा, इसका अर्थ ये है कि वो एक स्वस्थ आयु जीता है जिसमें उसकी आयु में कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं हो। लेकिन चूंकि अष्टम भाव पे शनि और मंगल के प्रभाव के कारण छोटी मोटी बीमारियों के साथ व्यक्ति का संबंध बनेगा जब कभी भी शनि मंगल राहु केतु की दशाएं आए, क्लियर है। लेकिन सूर्य तृतीय भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठे हैं, इस कारण से छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कमजोरी होने के साथ साथ व्यक्ति के पराक्रम को बल धीर से मिलता है। इसका अर्थ है कि उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। बुध के बाद अगर पंचम भाव के अधिपति होते हैं शुक्र, जो 12वें के भी अधिपति हैं, इस वजह से शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे भाव के अधिपति हैं। मूल त्रिकोण राशि उनकी पंचम भाव में बनी है और वो जन्म कुंडली में एकादशवें में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम के कारक गुरु बैठे भी हैं शुक्र ही राहु के संपर्क में, इस वजह से व्यक्ति को सबका प्रेम मिलता जाता है। उसको बचपन में भी दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, इन सबका प्रेम उसे मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं से वो अपनी पूरी पढ़ाई छोटी मोटी बाधाओं के बाद भी पूरी कर लेगा। छठवें भाव के साथ साथ एकादशवें भाव के अधिपति मंगल होते हैं जो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इसका अर्थ है कि इस कुंडली के लिए गुरु, इस कुंडली के लिए मंगल और इस कुंडली के लिए सूर्य, ये तीनों ही परम मित्र ग्रह इस कुंडली के लिए अपनी दशाओं में कमजोरी और पापक फल देने के साथ साथ समस्याएं देने वाले बनते हैं, जिसमें मंगल स्वास्थ्य से और लाभ से संबंधित समस्या देते हैं, गुरु पत्नी और डेली रूटीन को खराब करने का बीड़ा उठाते हैं और सूर्य व्यक्ति को रगड़ खा करके मेहनत करने का प्राबल्य बढ़ाते हैं। ये तीनों ही दशाएं जातक के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करने वाली होंगी। गुरु मंगल और सूर्य मिथुन लग्न की कुंडली के लिए परेशानी के सबब बनने वाले होते हैं। अगर ये गुरु राहु के संग नहीं बैठे होते तो इनकी विलक्षणता प्रभावित नहीं होती और ये अच्छे परिणाम देने वाले बनते, पर राहु चूंकि वहाँ बैठे हैं अवस्थागत 16 डिग्री के और गुरु वहाँ 25 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से राहु गुरु पे बल अपना ज़्यादा लगाएंगे और गुरु राहु से प्रभावित होकर के जातक के जीवन को परेशान करने के लिए काफ़ी, क्लियर है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार उसका करियर अनएस्टेब्लिशमेंट का शिकार हो सकता है और उनसे कई बार व्यापार करने का ज़्यादा मन करेगा। ये बात मैंने छठवें भाव की बताई। सातवें भाव और दसवें भाव के अधिपति होकर के गुरु राहु के संपर्क में पत्नी चंचल प्रवृत्ति वाली और शंकालु प्रवृत्ति ईव होती है और गुरु चूंकि बैठे हैं रेवती के, इस वजह से व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर तो करेगा पर ठाकुर जी की भक्ति भी उसके जीवन में बनी रहे। इसके अतिरिक्त तो उसके पास धन भी आता रहे और श्रेष्ठ वाणी का भोक्ता होता है, चेहरा मोहरा अच्छा होता है, साथ ही साथ उसका धन सही जगह पे खर्च होता है। इसके अतिरिक्त वो समाज में
भोक्ता बनता है वो समाज को दे भले नहीं पर उसे समाज दे अच्छा देता है, समाज जिनसे अच्छा प्राप्त हो जाता है। समाज का कोई भी वर्ग उसका कभी भी अनादर नहीं कर सकता, पर व्यक्ति सोचता ज्यादा है और संकानुक प्रवृत्ति का ये भी हो जाता है पत्नी के साथ साथ। इतनी सारी चीजें मैंने आपके बताई। अष्टम के साथ साथ नवम के अधिपति होकर के शनि इस कुंडली में बैठे हैं छठवें भाव में, इस कारण से भाग्य संघर्ष में है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और कई बार हालांकि व्यक्ति का अधिकार कोई छीन नहीं सकता पर पैतृक संपत्ति को लेकर के कई बार विवाद संभव है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस कुंडली में नवम भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति होने से शनि को अष्टमेश का दोष लगेगा, आयु में रोग संभव है पर बहुत बड़ी नहीं छोटी। दसम भाव का प्रभाव बहुत अच्छा है, एकादशवा तो सबसे ज्यादा विलक्षण बना है, बारहवा भी ठीक है जिसके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित और नाम यश प्राप्त करने के साथ साथ समाज के उच्चस्थ पदाधिकारी का सुभोगता है। गुरु की दृष्टि धन भाव के लिए बहुत अच्छी है जो धनदायक होगी। गुरु की दृष्टि चौथे भाव के लिए सामान्यतया ठीक है जो कम से कम पिता को अनुशासित, माता को अनुशासित और पिता और माता में से माता के साथ संबंध तो अच्छे होते हैं, थोड़े बहुत मतभेद बनते हैं पर पिता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, इस कुंडली में उसकी परेशानी नहीं है। गुरु की दृष्टि छठवें भाव पे वृश्चिक राशि पे है, सूर्य और बुध के साथ साथ छठवें भाव पे राहु सूर्य बुध शनि सबका प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति जीवन में आने वाले विपरीत परिस्थितियों का यूं ऐसे चुटकियों में हल निकाल देता है और वो किसी भी तरीके से कभी डिप्रेस नहीं होता है। क्लियर है? ये आपको मैंने लग्न कुंडली का विश्लेषण किया। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव के अधिपति पे है, इस वजह से व्यक्ति चल अचल संपत्ति का बोर्ता भी बनेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि बहुत अच्छी बनी है, इस वजह से मंगल की दशा में इनके दृष्टि का कोई भी निगेटिव अप्रोच जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? नवांसर पूरी बनी है तुला लग्न, यहाँ के पंचम भाव के अधिपति यहाँ के लग्नेश मंदिर और बुध बारहवें भाव में विष्कर का सुख बहुत अच्छा दे रहे हैं। राहु के साथ मंगल का संबंध यहाँ पे कट्टरता दे भी है, इसके कारण कई बार व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और अपनी बात पे ही विश्वास करता है, सामने वाले पे संदेह करने लगता है। पंचम भाव में गुरु के साथ शनि का बैठना ये सरकारी सपोर्ट देता है और व्यक्ति को अपने कारोबार में या पिता के साथ जुड़कर या किसी भी तरीके से व्यक्ति धन बहुत अच्छा कमा लेता है। सूर्य छठे भाव में जा रहे हैं जो लाभ के अधिपति हैं, वहाँ पे शुक्र बैठे हैं नीचा विलासी, इस वजह से हालांकि वर्गोत्तम होकर शुक्र इस कुंडली को संपूर्णतया अनुभवी धार्मिक और प्रासंगिक बात करने वाला है ना, और इसके साथ साथ वो शास्त्र का मर्मज्ञ व्यक्ति के सामने वाले पार्टनर को बना दे पाए। दशमांश कुंडली में मिथुन लग्न का दशमांश बद्धा है जिसके अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं पंचम भाव में केतु के संग। यहाँ पे उनका पंचम भाव में जाना और सूर्य से दृष्ट होना कुछ अच्छी बातें बता रही हैं और यहाँ पे धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, वो व्यक्ति कल को चाहे तो अपना रोजगार भी बना सकता है और कल को अगर चाहे तो बहुत श्रेष्ठ मात्रा में अच्छी खासी मात्रा में धन भी कमा सकता है। इसके साथ साथ मंगल का यहाँ बैठना व्यक्ति में कारोबार को लेकर की जो सामस है, जो बल है, जो पराक्रम है, जो कठिन है, वो बहुत यथेष्ट बन पाए। राहु से दृष्ट होने के कारण और शनि के दशम स्थान में और यहाँ पे जो वो ग्रह बैठे हैं वो कुंडली के करियर को आरंभ में कमजोरी दे रहे हैं, बाद में चल करके चीज़ें ठीक होती हैं। अब मैंने आपको इनकी कुंडली के पंचांग में थोड़ी सी बात बता दूँ को वस्तुतः इनकी कुंडली का जो पंचांग बना है वो उत्तरायण में वैशाख माह में जन्म होने से थोड़ी मूर्खता बनती और उत्तरायण में जन्म होने से व्यक्ति के अंदर विलक्षणता और आत्मविश्वास की गहरी पैठ देखी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जन्म होने से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा व्यक्ति को सैनदा रोजगार स्थापित करने की छूट देते हैं और सोमवार को जन्म होने से व्यक्ति छबड़ाने नहीं होता। अश्विनी नक्षत्र सौभाग्य योग और वाणिज्यकरण में जन्म होने से व्यक्ति व्यापारिक मानसिकता का होगा कि अगर शुद्ध व्यापार करे तो वह ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य में कभी कभी कलुष भाव का बनना आसान बात है। चतुर्थ स्थान के केतु व्यक्ति के दिमाग को क्रम में रखने के भी काफी
और माता के स्वास्थ्य को थोड़ी बहुत चिंताओं से युक्त रखने के लिए काफी होते हैं। इस कुंडली के लिए तुला, मेष, कुंभ के साथ साथ कर्क और कन्या राशियां अच्छी रहेंगी। वैसे कर्क और कन्या थोड़ी कमजोर, पर मेष, तुला और कुंभ राशियां अच्छी। इस कुंडली में लग्न जो बना रहे वो बना है 2 डिग्री का, और लग्न मृगशिरा का बना है। मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति मंगल लग्न में ही बैठे हैं और मंगल 8 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से उनके पास बल अच्छा है। व्यक्ति अपनी अवस्था से छोटा मालूम पड़ता है। लग्न 2 डिग्री का है, इस वजह से हमें और भी ज़्यादा बलवान बनाने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आवश्यक होगा। रविवार को नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चतुर्थी का व्रत आरंभ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। अमावस्या को दान अवश्य देना चाहिए। मिट्टी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने कुल देवता के साथ साथ अपने भूमि, जो अपनी जमीन होती है, उसकी उपासना करनी चाहिए, अपनी मिट्टी। इसके साथ साथ इस कुंडली में सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ बहुत अच्छा रहेगा। रत्न के आधार पर इस कुंडली में अगर आप जानें तो बुद्ध का रत्न भी पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ इस कुंडली में अगर बन पड़े तो भाग्यश शनि का रत्न नीली भी पहन सकते हैं। आरंभ में नीली, बाद में नील। अभी आने वाली है मंगल की दशा, जो इस कुंडली में आर्थिक रूप से कष्ट दे सकती है। इस वजह से निर्णय कोई भी समुचित तरीके से विचार करने के बाद लिया जाए। मंगल की दशा में अगर बो सके तो सूर्य को अर्घ्य हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी वंदन ना करें। इस कुंडली के आधार पर मंगल लग्न में बैठे हैं। हालांकि किसी पापोग्रह का कोई इनके दोष नहीं है, पर फिर भी हमें थोड़ी बहुत सावधानी और जल्दबाजीपन से युक्त होकर के निर्णय लेने को कमजोर फरमा चलिए। इतनी सारी चीज। नमरस कुंडली में मंगल धनु के बैठे हैं और राहु के सिल्वर पे है। इस वजह से पति के साथ मतभेद और उन पर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोई प्रवृत्ति मत रखिएगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में आपके जीवन की सारी इच्छा पूर्ति होंगी, क्योंकि एकादशा राव आपकी कुंडली में बहुत भगवान है। चंद्रमा कमजोर है। शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि पे बहुत ज़्यादा वजन मत दीजिएगा। दूसरे के माध्यम से आप धन कमा सकते हैं। मिष्ठान भंडार इस कुंडली में बहुत अच्छा है। इस कुंडली में ड्राई फ्रूट का काम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस कुंडली में ग्रास कोर का काम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हार्डवेयर का काम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ तरह चीज़ों का कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी। इस कुंडली में नक्षत्र मृगशिरा, रेवती और भरणी, मृगशिरा और ये सब नक्षत्र अच्छे हैं, अवश्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस कुंडली में पुनर्वसु और रेवत ये सब नक्षत्र अच्छे हैं। इस कुंडली के लिए बुधवार के साथ साथ शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिदिन देवी मैया के मंदिर का दर्शन अवश्य करवा दें। इतनी सारी चीज़ें हमें अवस्था के आधार पर श्रांभ और केतु की दशाएं बहुत अच्छी जाएगी। मंगल की दशा इस कुंडली में 50% अच्छी जाएगी। गुरु के साथ उनका का प्रभाव आपकी कुंडली में 25% के साथ है। इस वजह से अपनी क्रूरता बढ़ाइए, इसी गुरु से दीक्षित होइए और श्रेष्ठ व्यक्ति के संपर्क में आइए। शुक्र और शनि का प्रभाव इस कुंडली में ठीक ठाक है, जिसमें शुक्र का प्रभाव ठीक रहेगा और अपना बल देंगे और आपके इच्छा की पूर्ति भी करवाएंगे। क्लियर है। वोरा कुंडली के आधार पर अगर जो मैं बात करूँगा उसके आधार पर शुक्र और सूर्य की दशाएं कमजोर जाएंगी, बाकी मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी। उसके बाद राहु की दशा भी आपकी कुंडली में सामान्यतया ठीक ही जाने वाली, मतलब ये दोनों ही दशाएं आपके लाभ के लिए अच्छी भी देंगी। सरकार का समय इस कुंडली में बहुत अच्छा है। प्रेम समाज का बहुत अच्छा मिलेगा। इस कुंडली में धन योग बहुत अच्छा बना हुआ है। धनिष्ठ लाभ में बैठे हैं, पर इस कुंडली में रेगुलर एक जैसी आमदनी कभी भी नहीं। पटेरी बहुत बहुत अच्छा है।